स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह, और आज इसमें हम केमिस्ट्री से संबंधित सभी टॉपिक को देखेंगे। इस बुक के अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहले परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन से संबंधित तथ्यों को। पहला है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आफ बाऊ सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो ये हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837:1 होता है। किसी एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? पावली ने। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो यह है हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है। अब देखते हैं कुछ प्रमुख अपरमाणविक कण के बारे में। इस तरफ मूल कण दिया गया है, यहाँ पे खोज करता है, यहाँ पे परमाणु आवेश कूलाम्ब से दिया गया है। तो पहला है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के खोज करता है जे जे थॉमसन, प्रोटॉन के हैं रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के हैं चैडविक। और यहाँ पे अगर इसके परम आवेश कूलाम्ब देखें तो इलेक्ट्रॉन का है 1.6022 × 10^19 और प्रोटॉन का है 1.6022 × 10^19 और न्यूट्रॉन का है 0। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित याद रख सकते हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है पोलोनियम 33 है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यह है अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके परमाणु क्रमांक से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? नील्स बोर का मॉडल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोसले के द्वारा। वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजक बंध किसमें होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एटवाइन लेवाइजियर को। डॉल्टन के अणु को क्या नाम दिया था? डॉल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? CO2 में। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है HI, HBr, HCl, HF। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? शून्य। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो पर किस प्रकार का कण होता है? कण है तो यह अस्थायी कण है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² जहां n कोषों की संख्या होती है से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं, कोष है, ये उपकोष है, सर्प कक्षक है, सर्प इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो कोष है KlmnOp और यहाँ पर क्यू है। तो यहाँ के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, इसमें एल में 8 होती है
एन बराबर 3 होता है एम में, तो 18 होती है। तो ये आप स्वयं से, ये चार्ट आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें केवल एस होता है, इसमें एसपी होता है, एसपीडी होता है, इसमें चार होते हैं एसपीडीएफ, इसमें एसपीडीएफजी भी होता है। तो ये चार्ट आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? फ्लांक सिद्धांत के। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोसेल तथा लेविस ने वर्ष 1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। किस बंध से युक्त यौगिक समायोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं? सहसंयोजी यौगिक व उपसहसंयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑर्गन है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या है ये 40 है, और यहाँ पे इसकी जो परमाणु संख्या है ये 18 है, और यहाँ पे पोटेशियम है, इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है और इसकी जो परमाणु संख्या है ये 19 है। तो यहाँ पे ये 40-40 समान है। नेक्स्ट है, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वॉन डर वॉल्स बल से। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध H2O2 O3 Cl2 आदि। किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? आध्रुवीय बंध। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एडविन श्रोडिंगर ने वर्ष 1926 में। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉसमिट ने। सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर दिया गया है संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है तो यह है बोस आइंस्टीन संघनन। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी? आयनिक बंध। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ये है ऑर्गन। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? तो ये है यूरेनियम 235। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्ण सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी सहसंयोजक एवं उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br में। कोष उपकोष कक्षक क्या होते हैं? तो ये देख लेते हैं, सेल सबसेल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होता है जिन्हें SpDf अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। अब देखते हैं अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित तथ्यों को। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्या कहलाता है? क्षारीय विलयन कहलाता है। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी है? अम्ली है।
ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र CaCOCOLCl है। यह जल में पूर्णतः विलेय है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल व शक्तिशाली क्षार से। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल C3H6O3 का। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व तो कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अब हम यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण अम्ल, उनके स्रोत एवं उनके उपयोग। तो ये चार्ट आपको ध्यान से पढ़ना है, मैं एक एक करके देखते हैं। इस तरफ अम्ल एसिड है, इस तरफ उसके स्रोत है, इस तरफ उसके उपयोग दिए गए हैं। पहला है सिट्रिक एसिड, इसका स्रोत है नींबू संतरा टमाटर। धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में इसका प्रयोग होता है। दूसरा है एसिटिक एसिड, इसका स्रोत है सिरका। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खियों चींटियों के डंक से हमें मिलता है। कार्बनिक संश्लेषण रंगाई आदि में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, खट्टा दूध एवं दही से हमें मिलता है। खाद्य परीक्षण में व स्वाद कारक के रूप में प्रयोग में आता है। नेक्स्ट है स्कॉर्बिक एसिड, आंवला पपीता ब्रोकली से प्राप्त होता है, विटामिन सी के लिए उपयोगी है। टार्टरिक एसिड कच्चा आम अंगूर इमली केला अनानास से प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थ में प्रति ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, पालक टमाटर से मिलता है। कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी की जंग हटाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल, फिटकरी व सोरा से मिलता है। एक्वाजेरिया विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड, बोरेक्स ओरासाइट शराब से प्राप्त होता है। गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है। लुइस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अचार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? एसिटिक एसिड सिरके का। अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर, फिनोफ्थेलीन व मेथिल ऑरेंज। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में, फिनोफ्थेलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देते हैं। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 व NO2, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसके द्वारा पीएच माप
मान को मापा जाता है सोरेनसन। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं सिर्फ लवण दिया गया है, सिर्फ उसके उपयोग हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक NaCl से मिलता है। भोजन निर्माण एवं अचार के परीक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु इसका प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। ये साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में प्रयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी होता है। चमड़ा उद्योग में अम्ली मृदा जल एवं गंदे नालों के उपचार में प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है। कागज, कांच, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता के रूप में प्रयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है। अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है। स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल में, पेयजल के कीटाणु शोधन में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौनों के निर्माण में प्रयोग होता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया अम्ल राज के रसायनों का मिश्रण है, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? 10^-7। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? अमोनिया NH3। यहाँ पर कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान दिया गया है, ये देखते हैं। तो इस तरह पदार्थ है, यहाँ पे पीएच मान है। समुद्री जल का पीएच मान है 8.4, रक्त का है 7.4, लार का 6.5 से 7.5 के मध्य होता है, दूध का 6.4, मूत्र का होता है 6, शराब का 2.8, सिरके का 2.4 और नींबू का 2.2। कपड़े पर से जंग के दाग हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल विलयन का प्रयोग होता है। अब देखते हैं धातुओं मेटल से संबंधित तथ्यों को। पहला है, किसी धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो ये है चांदी। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? लिथियम एवं ऑक्सीमियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो कौन सा है? तो ये है यूरेनियम। मोनाजाइक किसका प्रमुख अयस्क है? थोरियम का। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एरागोनाइट, कॉन्चियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं सोडियम व पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? विद्युत में। आतिशबाजी में बेरियम यानी VA की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा इंस्ट्रांसियम SR की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारे का HG। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तांबे की। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। साधारण ताप मापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का उसमें प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये है हाइड्रोजन। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो यह है सेलिनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? तो यह है सीसा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को।
चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो ये है प्लेटिनम। यहाँ पर कुछ सामान्य नाम है, इस तरफ उसके रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम दिए गए हैं, तो देखते हैं। पहला है हरा कसीस, इसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट और सूत्र है Fe(SO4)7H2O। नीला कसीस, रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट Cu(SO4)5H2O। श्वेत कसीस, जिंक सल्फेट है इसका Zn(SO4)7H2O, सूत्र है। लाल कसीस का रासायनिक नाम है कोबाल्ट सल्फेट और सूत्र है Co(SO4)7H2O। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातुओं एवं उनके अयस्क दिए गए हैं। इस तरफ धातु मेटल है, इस तरफ अयस्क है। तो पहला है सोडियम, इसका अयस्क है साधारण नमक, चिली सॉल्ट, पीटर, बोरिक्स, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, बॉक्साइट, केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम, क्रायोलाइट, इसके ये अयस्क हैं। पोटेशियम का अयस्क है पोटेशियम नाइट्रेट यानी साल्टी पीटर, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लूओस्फर, एस्बेस्टस। मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम सॉल्ट। कॉपर का है चालकोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लॉस, क्यूप्राइट, मैलेकॉइट, एजोराइट। जिंक का है जिंकाइट, जिंक ब्लेंड ब्लेड और कैलामाइन, विलेमाइट। नेक्स्ट है लेड, लेड का है गैलेना, सीरुसाइट। टिन का है कैसेट्रेराइट, कैडमियम का है ग्रीनोसाइट, निकिल का मिलेराइट, मैग्नीज का अयस्क है पायरोलुसाइट, मैग्नाइट। आयरन का है हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। मरकरी का है सिनेबार, सिल्वर का है रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, गोल्ड का है कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। यूरेनियम का है कॉर्नेटाइट, पिच ब्लेड। थोरियम का है मोनोजाइट। तो ये हमने देखा सभी धातु और उससे संबंधित अयस्क, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये है लिथियम। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? कवकनाशी एंटीफंगल के रूप में। अब देखते हैं भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं ऑक्सीजन, फिर है सिलिकॉन, इसके बाद एल्युमिनियम, चौथे नंबर पर है आयरन, पांचवे पर है कैल्शियम, सोडियम का नंबर छठे पर है, इसके बाद है मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। आयरन पाइराइड्स रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अब देखते हैं अधात्वी से संबंधित तथ्यों को। वायानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन अथवा हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? अमोनिया। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? ड्यूटेरियम। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेरोल्ड यूरे। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? विपरीत परासरण द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक का। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है।
पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी हैं। क्वार्ट्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होती है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? निर्लवणीकरण द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत है? 78%। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय। हीरा किस तत्व का अपर रूप है? कार्बन का। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लिड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है? लिग्नाइट। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियान और पारावाष्प। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? प्रिस्टले। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। वायु की मुख्य संघटक गैसें कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। इस तरफ समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत है, इस तरफ परमाणु संरचना है। पहला है इसमें प्रोटियम। इसमें एच का जो परमाणु भार होता है वो एक होता है और एच की परमाणु संख्या भी एक है अथवा इसके बराबर होता है। एच के समान हाइड्रोजन है। यह एक मात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक होते हैं, प्रोटॉन एक होते हैं, न्यूट्रॉन जीरो होता है। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम। इसमें एच की जो परमाणु भार है वो 2 होता है और परमाणु संख्या एक होती है अथवा जी भारी हाइड्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है टाइट्रियम। एच का जो परमाणु भार होता है वो 3 होता है और संख्या एक होती है अथवा यह टी के बराबर है। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 होते हैं। सबसे हल्का हेलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है हीरा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन। शुद्ध बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हेलोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम है फ्लोरीन में सबसे ज्यादा, इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन और फिर है एस्टेटिन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये है हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। हैलोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन। जल के विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के वाह्यतम कोष पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण पूर्ण होते हैं। निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? फ्रांसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जीनॉन। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फॉस्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन।
कौन सा अम्ल कसीस के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। हैलोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्लसिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है? सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रतिशत के में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीतक का क्या नाम है? तो ये है अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड H2O। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपर रूप कौन सा है? अल्फा सल्फर। किस हेलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। हीलियम आर्गन एवं नियॉन के उत्कृष्ट हीलियम आर्गन एवं नियॉन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? ट्राइटियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का क्या नाम है? हाइड्रोजन। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है। अब देखते हैं मिश्र धातुएं एवं उपधातुओं से संबंधित तथ्यों को। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? निकेल। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ड्यूरेलुमिन। गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है? एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल। टोकॉ किसका मिश्रण होता है? सीसा व टिन का। गैल्वीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ते का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा एवं जस्ता। तांबा Cu और टिन SN के मिश्रण में कौन सी धातु बनती है? इसके मिश्रण से बनता है कांसा ब्रॉन्ज। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती हैं। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? अवसादन द्वारा। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? बोरान। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? सिलिकॉन। LEDs में प्रयोग किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? टेल यूरियम। नेक्स्ट है धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% एवं कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन SiO का। मैग्नीलियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? एल्युमिनियम मैग्नीशियम एवं आयरन की। स्टील पीतल कांसा तथा तांबा में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा। अमलगम क्या है? पारी के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? क्वार्ट्ज कांच। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा जस्ता एवं निकिल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित है? तो ये है तांबा। अब देखते हैं उपधातुएं जो कि हैं 7।
पहली है बोरान और सैनिक, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेल्यूरियम। लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। यहाँ पर कुछ सामान्य मिश्र धातुएं दी गई हैं। इस तरफ मिश्र धातु है, इस तरफ संघटक है, इस तरफ उसके उपयोग दिए गए हैं। पहला है कांस्य, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है, या इसमें होता है तांबा टिन, इसमें तांबा प्लस टिन होता है और इसका उपयोग मूर्तियां, सिक्के, बर्तन के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है पीतल, इसमें तांबा प्लस जिंक होता है। बैंड बाजा, खंटिया, बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गन मेटल, इसमें तांबा, टिन, जिंक होता है। मूर्तियां, दांतेदार, गियर, बटन आदि के निर्माण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है टाका, इसमें टिन प्लस लेड होता है। धातुओं को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बेल मेटल, तांबा प्लस टिन होता है। घंटी, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है रोल गोल्ड, इसमें तांबा प्लस एल्युमिनियम होता है। इसमें सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डच मेटल, तांबा प्लस जस्ते का मिश्रण है। धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसे पतली परत के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धब्बा रहित इस्पात, क्रोमियम प्लस निकेल प्लस साधारण इस्पात का मिश्रण है। इसे घरेलू बर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोम स्टील, क्रोमियम प्लस आयरन प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज का मिश्रण है। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेलियम, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस आयरन का प्रयोग होता है। इसमें धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरालूमिन, इसमें होता है एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम प्लस कॉपर, और इससे प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाया जाता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। इसे हीटिंग क्वायल्स में बर्तन, नल आदि बनाने के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोम वेनेडियम स्टील, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस मैगजीन प्लस कार्बन का मिश्रण है। स्प्रिंग, पहिए की धुरी के निर्माण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है टंगस्टन स्टील, टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन होता है। इसमें रॉकेट इंजन के नोजल अथवा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ब्रांस, कॉपर प्लस एल्युमिनियम होता है। इसमें सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाइक्रोम, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन होता है। इलेक्ट्रिक हीटर एवं इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के निर्माण में। बेल मेटल किसका मिश्रण है? तांबे तथा टिन का। स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.1 से लेकर 2% के मध्य। भूपर्पटी के कुल भार में बोरान कितनी मात्रा में उपस्थित होता है? तो ये होता है 0.001%। हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थिति के कारण पीतल का रंग वायु में फीका पड़ जाता है। अब देखते हैं कार्बनिक रसायन से संबंधित तथ्यों को। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? डीजल की वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मेथेन, CH4। मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल का। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्राइथाइल लेड तथा बेंजीन चालू इन जाइलीन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए।
भोपाल गैस त्रासदी किस गैस की रिसाव कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट MICK। किस रासायनिक यौगिक को मीरबेल का तेल कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल एल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल एल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल एल्कोहल 95% होता है। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनाल व फॉर्मेल्डिहाइड। किस विलायक का प्रयोग निलपिट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? ये होता है एसीटोन। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म CHCl3। किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? TNG ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। आइसोप्रिन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजीनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिट्रिन। मॉर्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्रमशः ब्यूटायरिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पाश्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसी अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। न सूखने वाले तेलों में किस वसी अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों को नियंत्रित करने के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। खदानों में अधिकांशता विस्फोट का कारण है वायु के साथ मेथेन के मिश्रण से। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया। कार्बनिक क्लोराइड COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्जीन गैस को। प्रशीतक फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH तथा एल्कोहल OH की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गोमेक्सेन। एक तरफ यौगिक दिया गया है, एक तरफ उसके प्रयोग हैं। पहला है ग्लूकोज, इसका प्रयोग किया जाता है शराब निर्माण एवं फलों के रस परीक्षण में। यूरिया का नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में। क्लोरोफॉर्म का शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में। वसा तेल तथा विलायक के रूप में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रसेदक के रूप में। एरोसॉल प्रणोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमेथेन चाय एवं कॉफी से कैफीन हटाने एरोसॉल स्प्रे प्रणोदक के रूप में प्रयोग होता है। अश्रु गैस टीयर गैस इसका मुख्य उपयोग
पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मस्टर्ड गैस, सल्फर मस्टर्ड कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग होता है। एस्पिरिन, इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपिन मुख्यतः उपयोग फिनोलिक रोल के निर्माण में होता है। निफ्थेलीन C10H8 कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल कारों में प्रतिहिम कारक के रूप में प्रयोग होता है। आयोडोफॉर्म किस जीवाणुनाशी के रूप में। पैराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टॉस अग्निशामक वस्त्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक विधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी। डायनामाइट विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है। साइक्लोनाइट, हेक्सोजोन एवं T4। टेरिलीन क्या है, कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलॉइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है। ईओसिन किण्वन का प्रयोग एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम से संबंधित तथ्यों को। पहला है जल का भाप में बदलना, किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इस कारण जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है, गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन। किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पॉयस किस प्रकार का कोलाइड होता है, द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है, नियत ताप पर। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, एवोगैड्रो ने। आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है, तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती हैं, उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका दाब घटता है। परम ताप किस नियम का परिमाण है चार्ल्स के नियम का। गैसीय समीकरण PV बराबर NRT में R क्या प्रदर्शित करता है, एक मोल गैस को। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फॉरेनहाइट पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाते हैं, चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणुभार कितना होगा, 28 होगा। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है, वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं, स्कंदन के द्वारा।
सामान्य ताप और दाब इन टीपी से क्या आशय है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के ताप को सामान्य ताप और 760 मिमी दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण नीति तथा सॉरी किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अणुभार में क्या संबंध होता है? गैस की विसरण गति उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं तत्वों का आवर्तीकरण से संबंधित तथ्यों को। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 18। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? एफ सी एल बी आर आई। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? स्टेटीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? शून्य वर्ग, सभी गैसें, अक्रिय गैसें एवं एक परमाणविक तत्व हैं। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीमियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का क्षार धातुओं व हैलोजनों दोनों से समानता रखना। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड समूह। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? एक्टिनाइड समूह में। अब देखते हैं आवर्त सारणी में तत्वों के गुण। तो यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है, इस तरफ गुण है यहाँ पे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या क्या होता है। तो पहला है परमाणु का आकार, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा, घटती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और बढ़ती है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता, घटती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, घटती है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बढ़ती है। नेक्स्ट है किस ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? पे ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहते हैं वर्ग। अब देखते हैं तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। कुल ज्ञात तत्वों की संख्या है 118। प्रकृति में प्राप्त तत्व है 94। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व है 24। धातु तत्वों की संख्या है 91। अधातु तत्वों की संख्या है 20। उपधातु तत्वों की संख्या है 7। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व है ऑक्सीमियम। सबसे हल्की धातु तत्व है लिथियम। द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व है चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व है ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनी तत्व है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है सोडियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व है कैल्शियम। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलक होते हैं। परमाणु भार के तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबे राइनर ने। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा आयनन विभव कहते हैं। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है जो आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे आप गुलाबी कलर का देख रहे हैं ये सभी उपधातु हैं। यहाँ पे जो सफेद कलर से आप देख रहे हैं ये सभी धातुएं हैं और ये जो
काले कलर में आप देख सकते हैं ये अधातु है, तो ये सारे चार्ट आप ध्यान से खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं विविध के अंदर दिए गए तथ्यों को मिसलेनियस। पहला है इसमें रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है, गेगर काउंटर के द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था, चार्ल्स गुड ईयर। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं, थोरियम। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है, NH4 2SO4। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, लोहा, Fe का। सामान्य गैस कॉमन गैस समीकरण क्या है, PV बराबर NRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का। स्टार्च किसका उदाहरण है, पॉलीमर का। अब देखते हैं यहाँ पर प्रायोगिक क्षेत्र, यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग इस तरफ दिया है, इस तरफ प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। पहले देखते हैं अनुसंधान से संबंधित कार्बन आयु गणना, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में मृत जीव अथवा वनस्पति की, इसके लिए प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है कार्बन 14 C14। नेक्स्ट है यूरेनियम लेड आयु गणना पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में होती है, यह है यूरेनियम लेड PV। नेक्स्ट है रूबिडियम स्ट्रोंसियम आयु गणना चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में, रूबिडियम स्ट्रोंसियम। पोटेशियम ऑर्गन आयु गणना भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, पोटेशियम ऑर्गन। अब देखते हैं चिकित्सा से संबंधित ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों की जांच में और विभिन्न रोगों के उपचार में। पहला है ट्यूमर की जांच में आर्सेनिक 74, थायराइड ग्रंथ की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131, अल्प रक्तता क्षय रोग TB की जांच में फ्लोरीन 59, अंगों की संरचना के अध्ययन में टेक्टिनियम 99 mm, रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम, कैंसर के उपयोग में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60, सीजियम 137 का, अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस 32 प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है ये। नेक्स्ट अब देखते हैं कृषि से संबंधित खाद्य संरक्षण में पादप उर्वरक परीक्षण में उर्वरक के रूप में क्या क्या प्रयोग होता है, अनाज सब्जी मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने में गामा किरणें, पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में कार्बन 14, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फॉस्फोरस 32। अब देखते हैं उद्योगों में क्या प्रयोग होता है, पेट्रोलियम भंडारों की खोज में तेल के रिसाव की जांच में, नाभिकीय ईंधन के रूप में मृदा के अध्ययन में, तेल के कुओं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच में अमेरिकियम 241 का प्रयोग होता है, तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम 235, मृदा की नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क एवं भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252 का, पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। मूत्रालयों से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है, मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया, आईजी मॉन ने। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप में। धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है किस पदार्थ से बने होते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड। यशद पुष्प किसे कहते हैं, जिंक ऑक्साइड। रेशम किसका उदाहरण है, प्राकृतिक बहुलक का। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। पदार्थ यानी द्रव की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है क्या कहलाती है, ठोस। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है, उर्वरक के निर्माण में। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ है, हाइड्रोजन। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, वनस्पति तेल।
गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, CH4, सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? भूपर्पटी। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है? चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? आयतन तथा तापमान को। CNG का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरेल ने वर्ष 1896 में। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुलक। इस तरफ बहुलक है, इस तरफ उनके उपयोग है। नायलॉन 6 रेसे, प्लास्टिक, टॉयर, रस्सी बनाने में प्रयोग होता है। नायलॉन 6 ब्रश, संश्लेषित रेसे, पैरासूट, रस्सी तथा दरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट, ग्रियर, सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में। मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में प्रयोग होता है। पॉलीक्रिनो नाइट्रॉयल, संश्लेषित रेसे तथा संश्लेषित ऊन में प्रयोग होता है। स्टायरीन, ब्यूटा डाइन रबर, ऑटोमोबाइल टायर तथा चप्पल बनाने में प्रयोग होता है। नाइट्राइल रबर, सील बनाने में, टैंक के स्तर बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इस तरफ ध्यान देना है, बहुलक है और इस तरफ उसके उपयोग दिए गए हैं। पॉलीइथाइल एक्रोइलेट, फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में प्रयोग होता है। टेरिलीन, रेसे, बेल्ट, तार तथा टेंट बनाने में। ग्लिटन, प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में। पॉलीथीन, विद्युत रोधक, पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन, विद्युत रोधक, पैकिंग पदार्थ, खिलौने तथा घरेलू वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़े के कपड़े बनाने में प्रयोग होता है। टेफ्लॉन, विद्युत रोधक, खाने के बर्तनों के लेपन में प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वॉस्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी पीली रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 47%। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी मॉल्यूटेशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। मच्छर रोधी क्वाइल में पायरेथ्रम, पायरेथ्रिन, एलेथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं। एक बीजी पौधे से ये प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम का प्रमुख संगठनों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम व कैल्शियम का द्वितीयक संगठनों के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फाइड, जिंक फॉस्फाइड का। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? रेयॉन। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक। पसीना रोधी उत्पादों में समानता कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एल्युमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व दिए गए हैं, चार्ट में वो देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। नेक्स्ट है साबुन निर्माण की विधि है साबुनीकरण। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सीटें संख्या। कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ।
इस तरफ दिया है रंग पदार्थ रंग प्रदान करने वाले पदार्थ और इस तरफ कांच का रंग पोटेशियम डाइक्रोमेट से हरा और हरा पीला होता है, क्यूप्रस लवण से लाल, कैडमियम सल्फाइड से नींबू जैसा पीला, कार्बन से कहरुआ, कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा। यहाँ पे ध्यान देना, हम देख रहे हैं कांच को रंग प्रदान करने वाले पदार्थ के बारे में। नेक्स्ट है सिलोनियम ऑक्साइड से नारंगी रंग, फेरिक अम्ल या सोडियम यूरेनेट से प्रतिदीप्त सील पीला, गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कॉसियल से रूबी जैसा लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड से चटक लाल, क्यूप्रिक लवण से पिकॉक नीला। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन की उपस्थिति होती है। अब देखते हैं प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और उसके उपयोग। पॉलीएथिलीन, इसका उपयोग होता है पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में। पॉलीविनाइल क्लोराइड, जल पूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रखने वाले बैग आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन, इसका प्रयोग होता है खाना रखने वाले कंटेनर, खाने की प्लेटें, सीडी केस, रेडियो एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में। नेक्स्ट है ल्यूसाइड एक्रेलिक ग्लॉस एक्रेलॉइड, कांच के स्थान पर प्रयोग, कॉन्टेक्ट लेंस के निर्माण में। टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तनों, गैस्केट आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने एवं वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल मरकेप्टन। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो ये है हाइड्रोजन। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? गोबर गैस, पारा धातु, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? सी बी देसाई। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? बायोडीजल। क्लोरीनन क्या है? संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पिनोइड। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है? एन हेप्टेन। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? आर्किमिडीज को सिद्धांत के द्वारा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया। वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबे के तार पर में गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है? तो यह है क्लोरोबेंजीन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जे थॉमसन। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सबसे प्रभावी पीड़क नाशी कौन सा है? आर्गनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? मिथाइल सेलिसिलेट की। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल सॉफ्ट वाटर में। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम है? साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? अपमार्जक को। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा उकारक शामिल होता है? एल्युमिनियम। सामान्य उर्वरक में कौन से तीन प्रमुख तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण।
विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ मिलाया जाता है। अब देखते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें एवं उसके आविष्कार। इस तरफ खोज है, इसका इस तरफ खोजकर्ता दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे जे थॉम्सन ने। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की किया था जेम्स चैडविक। पॉजिट्रॉन की कार्ल एंडरसन। परमाणु क्रमांक की मोजले। द्रव्यमान संरक्षण नियम की लेवाइजर। गुणित अनुपात का नियम का डॉल्टन। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन। गैसों का विसरण नियम ग्राहम। चार्ल्स का नियम चार्ल्स। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। त्रिक नियम डॉबे राइनर। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। अपवर्जन सिद्धांत पाउली। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली। क्रमिक रचना नियम ऑफ वाउ। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट। वर्ग विस्थापन नियम सॉरी व फ्रजोन। तन्यता नियम ओस्टवाल्ड। विद्युत अवघटन का नियम फैराडे। सहसंयोजकता लुईस। पीएच मापक्रम सोरेनसन। आवर्त सारणी डिमिट्री मेंडेलीफ। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। परमाणु सिद्धांत की खोज करता है जॉन डॉल्टन। बोर सिद्धांत के हैं नील बोर। अधिकतम बहुलता सिद्धांत के हैं हुट्स। अनिश्चितता नियम के हैं हाइजेनबर्ग। क्लोरीन के हैं सीले। ध्यान देना है इस तरफ खोजें दी गई हैं। इस तरफ खोज करता है रेडियो सक्रियता के खोज करता है हेनरी बेकवेरल। समस्थानिक के हैं सॉडी। भारी जल के यूरे। हीलियम के लॉकियर। ऑक्सीजन के क्रिस्टले एवं सीले। सोडियम के जेवी। पोटेशियम के डेवी। रेडियम के क्यूरी दंपत्ति। थोरियम के ब्राजीलियस। यूरेनियम के क्लेप्रोथ। प्रोटॉन के रदरफोर्ड। नाभिक के रदरफोर्ड। मेसॉन के युकावा। स्थिर अनुपात का नियम के हैं प्राउस्ट। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के हैं रिचर। प्रकाश विद्युत प्रभाव के हैं हेनरिच हर्ट्ज। वैद्युत संयोजकता के हैं कौसिल। उत्प्रेरण के हैं ब्राजीलियस। हाइड्रोजन के हैं कैवेंजिस। नाइट्रोजन के जेनियल रदरफोर्ड। ऑर्गन के रैग्से एंड रैले। मैग्नीशियम के डेवी। कैल्शियम के डेवी। अवोगाद्रो की परिकल्पना के खोजकर्ता है अवोगाद्रो। बॉयल के नियम के हैं रॉबर्ट बॉयल। नेक्स्ट है आंशिक दाब के नियम के हैं डॉल्टन। परासरण दाब के नियम के हैं बर्कले। पोलो नियम के खोज करता है मैडम क्यूरी। कोक कोयले के भंजक आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम तथा उनके रासायनिक सूत्र। इस तरफ व्यापारिक नाम है, इस तरफ रासायनिक पदार्थ है, इस तरफ रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक, इसका रासायनिक पदार्थ है ये सोडियम क्लोराइड। सूत्र है NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। धवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3×10H2O। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सुहागा बोरेक्स Na2B4O2×10H2O। फिटकरी का है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट और इसका रासायनिक सूत्र है K2SO4×Al2SO4×24H2O। सोरा का है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर का है ब्लीचिंग पाउडर CaCl। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे रासायनिक सूत्र आप खुद से देखे जाइए, मैं रासायनिक पदार्थ और व्यापारिक नाम बता रही हूँ। जिप्सम का है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। चौक का है कैल्शियम कार्बोनेट। बुझा बिना बुझा हुआ चूने का है कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट। नौसादर का अमोनियम क्लोराइड। लॉफिंग गैस हास्य गैस का है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका सूत्र है N2O। लाल सिंदूर या रेड लेड का है लेड परऑक्साइड Pb3O4। नमक का है नमक का अम्ल हाइड्रो क्लोरिक अम्ल HCl। अम्ल राज सांद्र साइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3+3HCl। जल गैस का है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। बॉक्साइट का हाइड्रेट्स एलुमिना। शुष्क बर्फ का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशिया का है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ब्लैक जिंक का है जिंक सल्फाइड।
जेड एन एस भारी हाइड्रोजन का है ड्यूटेरियम डी, भारी जल का है ड्यूटेरियम ऑक्साइड डी टू ओ, सिल्का का है सिलिकॉन, डाइऑक्साइड एस आई ओ टू, मॉर्स गैस का है मेथेन सी एच फोर, सिरका का है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन सी एच थ्री सी डबल ओ एच, एल्कोहल का है थाइल एल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच। पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार 1928 ईस्वी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इंग्लैंड में किया था। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और इस बुक के अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।